अरे अरे अरे, नमस्कार। आज हुई एक सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की पाकिस्तान पर, इसी सर्जिकल स्ट्राइक पर हम बात करेंगे, साथ में ये भी कि ईरान पाकिस्तान तो मतलब जिस तरीके से वो हो गया ना, एक पाकिस्तान के जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुझे लगता है उसकी स्टार्टिंग ही ये होनी चाहिए थी। वो कबीर दास जी का दोहा है, निर्बल को ना सताइए जाकी मोटी है, ये होना चाहिए था। कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक करे यार, इंडिया भी करता है, ईरान भी करता है। उसी के बाद बोला ये गया कि दो बच्चे मारे गए, उससे पहले इंडिया ने की थी तो सर्जिकल स्ट्राइक पे बोला गया तीन कौवे मारे गए। इनकी सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, ये सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसे टाइम पे आई है जब जयशंकर साहब वहां पे थे और 24 घंटे नहीं हुए वहां से निकले हुए। जयशंकर साहब को इस स्ट्राइक के बारे में बताया गया था कि नहीं, ये भी नहीं पता। लेकिन इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ है अभिषेक मिश्रा जी, और पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव लेने के लिए हमने लिया है रिबाह इमरान को। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले सीधे रिबाह के पास जाऊंगा। रिबाह जी, क्या सिचुएशन? सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, DGISPR ने मान लिया, व्हाट्स नेक्स्ट? सर, हमने अपने यहाँ पर ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी निकाल दिया है। और बहुत गलत है कि किसी भी कंट्री को इस तरह मतलब टारगेट करना। पहले हम देखते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है हम पे हमले कर रहा है, और पाकिस्तान के जो बॉर्डर पे जवान खड़े हैं उनको जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद ईरान की अब एक और कंट्री की जानब से पाकिस्तान पे अटैक किया जा रहा है। कितनी कोई अफसोस कुन बात है कि हम देखते हैं कि जो इस्लामिक कंट्री जिसको हम अपना ब्रादराना कंट्री कहते हैं वही हम पर जो है वो अटैक करी जा रहे हैं। पता नहीं ऐसी आखिर क्या गलती हो चुकी है कि वो भी हमारे जो है वो दुश्मन बनते जा रहे हैं। और हमने भी जो है इस बार ईरान के, पहले आपने देखा कि हमने अफगानिस्तान के लोगों को भी जाने का कह दिया, उसके बाद हम देखते हैं कि ईरान की जानिब से जैसे हमला हुआ है तो, और ईरान के जो डिप्लोमेट्स हैं हमने उनको भी जाने को कह दिया है। तो मेरे ख्याल से सर हमें जो है तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन को बेहतर रखना चाहिए, लेकिन इस तरह के हमले करके आप लोगों को नुकसान पहुंचाकर कोई एक इंसानियत वाला काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए। और देखें, इंसान एक इंसान की जान जाना तमाम इंसानियत का कत्ल है, और यहाँ पर हम एक बच्चे की भी अगर जान जाती है ना तो वो तमाम इंसानियत का कत्ल है। तो ये जो कंट्रीज हमले कर रहे हैं पाकिस्तान पे उनको सोचना चाहिए कि आप क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो। हालांकि वो इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे अफगानिस्तान की बात ले लें चाहे ईरान की बात ले लें, एक आपको पता है कि कितने अच्छे फ्रेंडली रिलेशन रहे हैं पास्ट में, लेकिन अब जो मामला हैं दिन ब दिन जो है वो खराब होते जा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान के ताल्लुकात मुख्तलिफ कंट्री से, इवन के इस्लामिक कंट्री से आखिर इतने क्यों खराब होते जा रहे हैं। मुझे बड़ा दुख है, अफसोस के साथ पाकिस्तान ने भी इस पे एक्शन ले लिया है, और एक्शन ये लिया है कि पाकिस्तान जो है उन्होंने ईरान के डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। राइट डॉक्टर साहब, मैं अच्छी तरह से याद है मुझे अभी कुछ टाइम पहले, करीब 6 महीने 1 साल पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात होगी, इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने अपना ट्विटर पे लिखा कि इंडिया टेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल, और पाकिस्तान की एक लीडिंग जर्नलिस्ट ने उसके नीचे कमेंट किया कि यार यहाँ तो नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो कुछ ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि इंडिया का मिसाइल भी वहीं घुस रहा है और ईरान का भी घुस रहा है, क्या सिचुएशन? क्या पाकिस्तान थोड़ा कहीं कमजोर होता दिख रहा है? पाकिस्तान की बुनियाद कमजोर है दादा, देखिए इसको समझना पड़ेगा डेप्थ में जाके। वो पाकिस्तान ने स्टेट के नाम पे नॉन स्टेट एक्टर्स बनाए हैं, क्योंकि उनके स्टेट की कोई एक फिलॉसफी नहीं है या किस एक सेंट्रलाइज्ड फिलॉसफी नहीं है। लोगों को रिलीजन के नाम पे अपने अपने जो है वो तंबू गाड़ने की इजाजत मिली हुई है, वो अपना डेरा अपनी चोली उस टाइप से, वो लोग हर किसी का अपना जो है, आप इस्लाम के नाम पे कुछ भी कर गुजरिए पाकिस्तान में, आप अपना पैरेलल संगठन बना लीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पहले वो संगठन भारत को मारता रहा तो ये खुश थे, इन्होंने पुष्पनाही की है, इन्होंने अपने यहाँ जो है पाकिस्तानी जो है वो बकायदा लश्करे तैयबा और इसके लिए चंदे दे दिया करते थे लोगों ने। फिर वो लोगों के अंदर वो चुकी इंतहा पसंदी इतनी आ चुकी थी कि वो किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे। पाकिस्तान जो थियोरेटिकली रिविजिट करने को तैयार नहीं है ना, जिद है इनकी, वो अपनी बेवकूफी की गलतियों के लिए एटम बम बनाने वाला पहला दुनिया का देश है, तो वो स्टेट नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान इज बेसिकली नॉन स्टेट, पाकिस्तान में हर कोई नॉन स्टेट एक्टर है भाई, और स्टेट से ज्यादा पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर है पाकिस्तान में। आपका जुडिशरी की चल रही है, जुडिशरी कह रहा है भैया चुनाव करवा लो, वो कह रहे मानेंगे नहीं। प्रधानमंत्री जो है वो बैठा बैठा उसकी जो सरकार चली जाती है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग गायब हो जाते हैं,
कोई भी ये फ्रांस के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तोड़ो ना तोड़ो, इसको तैयार करने के लिए रिलीजियस ग्रुप पूरा पाकिस्तान सड़क पे उठा लेते हैं। अच्छा राइट। अच्छा एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज जस्ट एक कंप्लीट करता, इन्होंने स्टेट नहीं बनाया, स्टेट को जानबूझ के इतना कमजोर बनाया और ऐसे जो तत्व हैं उनको पाला पोसा जो ये समझ नहीं पाए कि वो कल को क्या रूप लेंगे, और वही रूप ये ले रहे। ये जो जैशे अदल है ये ईरान में अटैक करा था सियों के ऊपर। जी दादा। नहीं तो एक चीज ये कि डिफेंस सिस्टम, इनके पास एक डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल शील्ड है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अभी कुछ दिन पहले एक एक्सरसाइज भी हुई है बलूचिस्तान में। ये मिसाइल डिफेंस जब इंडिया का घुसा था तब नहीं एक्टिवेट हुआ, जब ईरान का मिसाइल आया, ईरान का मिसाइल भी था, ड्रोन भी थे यार, ईरान का मिसाइल आया उस समय एक्टिवेट नहीं हुआ। तो ये डिफेंस सिस्टम कर क्या रहा है, काय के लिए रखा हुआ है? ईरान पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम या पाकिस्तान का कोई सिस्टम नहीं है। द कंट्री इज विदाउट सिस्टम, इट हैज नो सिस्टम, ठीक है ना। इनफैक्ट नो सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, आप समझिए इस बात को, बड़ी गहरी बात मैं बोलूं, नो सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, कुछ है ही नहीं भाई, हर चीज मजाक में चल रही है वहां पे। टीचर को जो हो रहा है वो पढ़ा रहा है, बच्चों को जो पढ़ना है वो पढ़ रहे हैं, कोई किसी भाई सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क में भी वहां पे जो आपका ये है क्या नाम है तबलीग जमात के ऊपर कंट्रोल है, वहां पे तबलीगियों पे कंट्रोल है कि तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं। वो मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कंट्रोल वो बैन लगा दिया तबलीग पे, सऊदीया की तबलीग जमात पे बैन है पाकिस्तान में। अब आप सोच लीजिए इनके यहां तो किसी ने खाली परचमे हिलाली पकड़ लिया तो हम बता रहे वो आदमी बवाली हो गया भाई, आप समझ रहे हैं। तो वो आप इस्लाम का नाम लेके जो चाहे करें, आपको खुली छूट है भैया, कुछ भी हो सकता है वहां पे। प्रोग्राम्स में मतलब एक बात ये कोट करती हूँ और वो ये है कि यहाँ पर मजहब को अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो आप अपनी कोई जाती दुश्मनी हो या कोई पर्सनल ग्रज निकालना हो या किसी को रास्ते से हटाना हो या किसी को रास्ते में लगाना हो, सबको अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट में सिर्फ मजहब को तभी लेकर आते हैं जब जो है वो जब अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट होता है। तो इस वजह से इस तरह की सोसाइटियाँ फिर परवान कैसे चढ़ेंगी जब हम अपने मुफाद की खातिर मजहब को यूज़ करेंगे और सिर्फ और वही काम करेंगे जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा। हमें सोसाइटी की, यहाँ के लोगों की कोई फिक्र नहीं है, हमें लोगों अपनी सोसाइटी को ग्रो करने की, रिफॉर्म करने की, डेवलपमेंट करने की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही फिक्र है कि हमारे अपना जो है उल्लू कैसे सीधा होगा, हम अपने मामला को कैसे जो है जो हमें फायदा पहुंचाएगी, यानी कि पर्सनल फायदा जो किसी को पहुंचाएगी वो क्या चीज है। अब ये ऐसे देख लें कि शरीफ खानदान, इनकी प्रॉपर्टियां कितनी बाहर है, ठीक है। आप पाकिस्तान में ये इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान में क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टीज बनाते, इनको चाहिए कि पाकिस्तान में भी अपनी प्रॉपर्टी बनाए ना, दंके की चोट पे पाकिस्तान में बनाए, और बाहर जाकर, बाहर क्या लेना देना इनका कि बाहर जाकर प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, हमारे पैसे बाहर जाकर लगा रहे हैं, हमारा क्या कसूर है। जो गरीब आदमी जो टैक्स दे रहा है, जो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, जो एक बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, वो टैक्स देकर किस लिए टैक्स दे रहा है, हमारे पैसों से ये लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर प्रॉपर्टीज बनाकर अयाशियां करके पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, क्या कसूर है आखिर गरीब आदमी का, क्या एक पाकिस्तानी का कसूर है कि जो वो जिस बात पर हमने ये कंट्री जो है वो टू नेशन थ्योरी जो एक बुनियाद रखी टू नेशन की, उसको हम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। देखें सर, बात ये है कि हम अपनी आज अगर आवाज उठाएंगे गरीब लोगों के लिए, यहाँ के जो पॉलिसीज मेकर हैं उनको चाहिए कि गरीब लोगों के लिए इस तरह की पॉलिसीज बनाएं, अगर आज हम नहीं आवाज उठाएंगे तो चीजें और ज्यादा मेस में जाएंगी। तो हमारी मतलब मेरी ऑडियंस जितनी भी पाकिस्तानी अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि इस तरह की पाकिस्तान का इमेज को बेहतर करने के लिए या पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को अगर बेहतर करने के लिए हमें जो स्टेप उठाने चाहिए तो एक एक इंडिविजुअल अगर आज आवाज उठाएगा तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी आने वाले टाइम में। राइट राइट, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला है। मैं इस बात की कद्र करता हूँ कि आप इतना अच्छा बोल पा रही हैं और मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके दिल में कहीं पाकिस्तान के लिए चिंता है, कहीं अन लोगों के लिए चिंता है और ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये भी आया कि
इनका मिसाइल डिफेंस क्या कर रहा था, इनके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बताते हैं, आपने बोला सिस्टम तो है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन मिसाइल डिफेंस तो खरीदा था यार, उसके लिए तो डॉलर खर्चे थे, डॉलर पहले नहीं है। व्हाट वाज द मिसाइल डिफेंस डूइंग, व्हाट हैपेंड व्हेन, जब हमारा ब्रह्मोस घुसा वो भी टेल के नीचे गिर गया वहां पे, और दूसरा भी घुसा ये 50 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया, तो मिसाइल डिफेंस क्या करता है यार, मिसाइल डिफेंस शुड डू समथिंग। नो मिसाइल डिफेंस जो है इनके खुद के मिसाइल से डिफेंस कर रहा है, आप समझिए इस चीज को ना, कभी इनका ही फायर हो जाए तो वो अपने वाले को कर रहा है, पाकिस्तान बाहर वाले के लिए नहीं है वो भैया, गलत फहमी में। देखिए ऐसा है, इनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि हमारा एटम बॉम्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है, ये इनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि इट इज ओनली अगेंस्ट इंडिया, तो ईरान पे तो न्यूक्लियर बॉम्ब मारेंगे नहीं है क्योंकि भाई इट इज ओनली अगेंस्ट इंडिया, और ये इस्लामिक बॉम्ब है, तो इस्लामिक बॉम्ब है ना इनका न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये ईरान पे भी नहीं चलेगा, ईरान को ये पता है कि तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे अगेंस्ट में तुम यूज नहीं करते, लेकिन ईरान ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, ईरान ने कहा कि हम घुस के मारेंगे जब तुमने ईरान के अगेंस्ट इंटरेस्ट में कोई काम लिया, चाबहार इंडिया वहां डेवलप कर रहा है, फाइनली हम लोग की एग्रीमेंट हो गई है डेवलप रीच उसको पोर्ट को डेवलप करने की, आप समझ रहे हैं। सो बॉटम लाइन मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं दादा कि ये जो पाकिस्तान का ये जो सिस्टम है, इन्होंने हर क्योंकि कोई एक जब आप एक कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को बताने वाला हर आदमी है वहां पे, हर आदमी अपने तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा है, जैसे हम एक टीचर हैं तो हमारा एक व्यू होगा, दूसरे वाले टीचर का दूसरा व्यू होगा, लेकिन दादा यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने एक मतलब जो जैसे हमारी बहन रिजाबा जी ने कहा कि जितने लोग हैं वो उतने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और कोई छोड़ नहीं है, आपने अगर इस्लाम की दुकान खोल ली है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पैरेलल स्टेट है, क्योंकि इस्लाम के नाम पे स्टेट बनाया है, तो हर आदमी जो इस्लाम का वहां पे प्रचार प्रसार कर रहा है वो उसकी स्टेट है, जिसने डेढ़ मस्जिद डेढ़ ईंट की मस्जिद खड़ी कर ली वो एक स्टेट बन गया अपने आप में, वो अदलिया से ताकतवर है, वो न्याय व्यवस्था से ऊपर है, वो एग्जीक्यूटिव व्यवस्था से ऊपर है, और लेजिस्लेशन की तो बात ही नहीं आती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि लॉ तो शरिया से नीचे होगा, तो जो आदमी अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बना करके शरिया लॉ को प्रैक्टिस कर रहा है वो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को तो अपने ठुड्डे रखेगा, कहेगा इस लॉ की क्या वैल्यू है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम ही बताने वाले हैं लॉ क्या है। तो पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्रिएट्स नॉन स्टेट एक्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डज नॉट क्रिएट स्टेट। भाई इनके यहाँ पे जो इवन अदल की जो बात है, ये जितने जैसे अदल थे वो अदल कर रहा है ना, इंसाफ कर रहा है ना, इनको इस्लामी इंसाफ इंसाफ नहीं जा सकते, और कोर्ट अगर शरिया लॉ को के इंसाफ कर रहा है तो एक आदमी बोलेगा यार मैं मुफ्ती हूं, मैं शरिया लॉ के तुम्हें बिना कोर्ट के फीस उसके लिए वकील वकील क्या हो मेरे पास सीधा बिना वकील के मैं तुम्हारा यूं यूं करूंगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का हो कहा रहा है, कौन रिज्यूम कौन उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करना चाह रहा है, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया, क्या ना तो इंडिया इंटरेस्टेड दिख रहा है ना पाकिस्तान इंटरेस्टेड दिख रहा है किसी डिस्प्यूट में, पाकिस्तान का वजूद है जब तक डिस्प्यूट है, पाकिस्तान एज एन एंटिटी विल वैनिश अगर डिस्प्यूट खत्म हो गया, पाकिस्तान डिस्प्यूट क्रिएट करने का नाम है, उनका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। बिल्कुल रिबाहा जी से बात करते हैं, रिबाहा जी ये बताइए कि इस समय क्या सिचुएशन है, एक्सपेल कर दिया है ईरान के एम्बेसडर को, और ईरान से जो एम्बेसडर आने वाले थे पाकिस्तान में उसको बोला भाई वहीं बैठा रहा आराम से, जल्दी आने जल्दी नहीं, क्या कहीं हम देख सकते हैं कोई स्ट्राइक वापस? सर अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि लड़ाई को झगड़े को अगर बढ़ाया जाए, ठीक है कोई भी सोसाइटी में लड़ाई हो, और देखें अगर आप पर कोई पत्थर फेंकता है, अगर कीचड़ में कोई पत्थर गिरता है छींटे आप पे खुद पे ही गिरती है ना, अब कोई आप पे हमला कर रहा है अगर आप उसका जवाब नहीं दोगे ना थोड़े टाइम के लिए तो आप वो हमला करना छोड़ देगा, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं हमला करना छोड़ता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और वो कर ही जा रहा है कि अगला कुछ नहीं कहेगा तो फिर तो आपको जवाब देना बनता है, लेकिन समहाउ हमें चाहिए कि अभी थोड़ा सा पीस का मैसेज दें, पीस का मैसेज जो है वो देना चाहिए हमें, और जवाब नहीं देना चाहिए, चीजें जो है वो तभी पीसफुल होंगी जब आप किसी के मतलब पत्थर मारने पर भी उसको अभी फिलहाल जवाब ना दो। अच्छा क्या ये उनको ये साइन लाना चाहिए, अगर आप
पत्थर मारते हैं तो हम आपको उस पत्थर का जवाब जो है प्यार से दे। यस, ये भी एक तरीका होता है, जैसे कि इंडिया कई साल से दे रहा था, प्यार से हम बातचीत कर रहे थे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पाकिस्तान क्योंकि एक मुस्लिम उम्मा का एरिया है तो इसलिए दे सकता है, कोई नहीं। लेकिन क्या मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आ रही है? क्योंकि ये अफगानिस्तान से भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं और उस तरह से भी इंडिया का ही एक ऐसा वो है बॉर्डर है जो कि बड़ा पीसफुल है, अदरवाइज बाकी सारे बॉर्डर से पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है। यही तो बात है, यही तो सर मैंने पहले भी कहा है कि आखिर पता नहीं क्या हो गया जो पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्रीज ही जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट होती जा रही हैं, और ले देकर सिर्फ चाइना बचेगा अगर इसी तरह ही चलता रहा तो। वो भी जिस तरह हमारे साथ है वो भी हम सबको पता है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, और हम जो वो कहेंगे शी चुप करके चलो चुप करके चलो, तो ये हिसाब है सर। अगर हमें अपने पॉलिसीज पर गौर और फिक्र करना चाहिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हमें पीस को प्रमोट करना चाहिए, अगर एक पत्थर का जवाब अगर प्यार से दिया जाए तो अगले को शायद अगर वो मतलब जर्फ वाला हुआ तो वो ये समझ जाएगा कि अगला लड़ना नहीं चाह रहा बल्कि पीस प्रमोट कर रहा है। जवाब देना सबको आता है सर, जवाब देना सबको आता है, लेकिन अगर हम ये पहल करते हैं प्यार मोहब्बत और पीस का एक मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है तो ये एक इससे अच्छा और क्या होगा कि पाकिस्तान जो है वो पीस की बात करता है। अभी तक तो पाकिस्तान का रिएक्शन कुछ ऐसा ही दिख रहा है, पाकिस्तान ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं बोला कि हम इसका रिटेलिएशन करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला अभी तक मैंने। अच्छा सर, डॉक्टर अश्वनी आर्या ने कहा है कि रिभा पाकिस्तान में 2 दिन से गैस बिल्कुल नहीं आ रही, मुझे ये नहीं समझ आती कि कैसे खबरें पहुंच जाती हैं। सिनेरियो ये है कि सर्दी आपको जैसे पता है कि बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और मैं हम तो पंजाब के एरिया में रहते हैं, और हम मैं जिस एरिया में रहती हूँ 10 बजे के बाद यहाँ पर वो गैस नहीं आती है, और ये हाँ मतलब फिर भी और फिर पूरी रात नहीं आती है और सुबह आती है, सुबह 7 या 8 बजे तक आती है गैस, फिर उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमारे एरिया के अलावा और एरियाज की, यानी कि पंजाब के अंदर की ही बात कर रही हूँ, तो उधर गर्मियों में गर्मियों की सिचुएशन ये थी कि 1 घंटा गैस आती थी और 1 घंटा नहीं आती थी, यानी कि गैस में भी हम लोड शेडिंग देखते हैं उनके घर में, और ये सारी सिनेरियोज हैं। लोगों ने तो अपना बंदोबस्त किया हुआ सिलेंडर्स के सिलेंडर्स रखे हुए घर में, ये सिनेरियो हमारे यहाँ तो कभी भी गैस आ जाती है हम लोग को। गैस तो गैस की तो प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में, गैस तो काफी अच्छी है, और ये है कि जब चाहिए उस समय अवेलेबल है। गैस नाला ठीक करे, गैस की प्रॉब्लम नहीं है, गैस की प्रॉब्लम नहीं है, गैस की प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल की भी प्रॉब्लम नहीं है, वो गैस दूसरी गैस है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ फैक्ट इज के ये इसकी भी प्रॉब्लम नहीं है और इंडिया में उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल की डीजल की किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये जरूर है कि पेट्रोल 100 रुपीज पर लीटर क्रॉस कर चुका है, लगभग उतने उसके आसपास ही है, ये प्राइस पहले कभी नहीं देखी गई। मुझे तो जब अमीर फील करना होता है ना तो मैं किसी के साथ पेट्रोल पंप चला जाता हूँ, कहता हूँ सर आप साइकिल खरीद लें, सर आप साइकिल खरीद लें, आपको क्या जरूरत है? खरीदी हुई है वो पेट्रोल पंप जाने चलाया हवा सर वाला रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं कि वेस्ट के कोई प्रोफेसर थे और प्राइम मिनिस्टर थे, वो साइकिल पे जाया करते थे, सर ने लगता है कि वही प्रोफेसर होने का जो है ना कि एक प्रोफेसर गोवा में ठीक है थे नहीं बल्कि है, और आप तो थे पे ही जोड़ दें, नहीं नहीं आप तो थे पे ही जोड़ दें कि निकल लिए भैया साइकिल पे गए थे हो गए। थैंक यू सो मच सुरेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, बल्कि मैं भारत की बेटी हूँ, पाकिस्तान की जैसे बेटी हूँ वैसे ही मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। इनके दादाजी पाकिस्तान गए थे गोद में, ना बता दो जरा गोद में मेरी परदादी की गोद ठीक है अमृतसर। अच्छा तो तुम अमृतसर से, तुम अमृतसर ही आ, अच्छा वेरी गुड, ये गोल है तो फिर तो ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ा होगा उन्होंने, वो तो एकदम क्या बोलते हैं हो सकता है साइकिल पे बैठ के चले हुए, हो सकता है रिक्शा वगैरह पकड़ के चले गए, ज्यादा दूर नहीं है। पूछी मेरी परदादी भी और मेरे दादाजी, जब इनके दादाजी आए थे पाकिस्तान तो वो गोद में थे भाई, दादाजी आए थे तो गोद में थे वो तो मैं मान रहा हूँ, ये बात भी सही है, लेकिन दादाजी जो हैं वो ज्यादा दूर नहीं गए, यहाँ तो यूपी से लोग गए और बिहार से लोग गए, बहुत दूर से गए, तो पास से चले, कोई टेंशन नहीं है, सही बात है। राइट, अच्छा एक चीज और कि रिभा जी क्या इस समय पाकिस्तान में थोड़ा बेटर एटमॉस्फेयर हो गया है आड़ोस पड़ोस के रिलेशंस के लिए,
आसपास के लोगों के लिए, जिनसे दोस्ती बोले जाता है कि इंडिया से भी, और ईरान की स्ट्राइक के बाद तो खासतौर से ईरान की तरफ गुस्सा होगा लोगों के बीच में। पाकिस्तानी मेरी बात सुने, यहाँ पे पाकिस्तानी एक दूसरे से रिलेशन बेहतर कर ले ना, बड़ी बात है। बड़ी बात तो बात ही ये बात सही है। या राइट राइट राइट, ये भी सही है। अच्छा, तुमने कभी वाघा बॉर्डर देखा है? सर मेरे बड़ी विषय है, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। उस पर मैंने वीडियो शूट करके आनी है, चाहे मुझे वो काफ पे क्यों ना जाना पड़े, लेकिन मैं वाघा बॉर्डर जरूर जाऊंगी। इस पे जाना पड़े। कुछ नहीं सर, वो बस है, यहाँ कहावत है कि कहीं अगर दूर भी जाना पड़े तो मैं जरूर, जिसके लिए, इसके लिए मुझे अगर कष्ट भी काटना पड़े तो मैं जरूर जाऊंगी। कष्ट न काटो, सबसे पहले पैसे काट लो, वो देर के ऑटो वाले को वो चली जाए बाबू। और जब आप वाघा पे आए तो हम लोग को बाईस बताएं, हम लोग दूसरी तरफ वाले वाघा में आके यूं यूं कर रहे होंगे। अटारी अटारी इंडिया की साइड का, इंडियन आपके गोवा से बड़ा दूर है ना, और दिल्ली किधर से? से गोवा से, गोवा से। गोवा से ना, इंडिया कितना बड़ा है, जिस स्टेट से हम आते हैं, मैं और ये जिस स्टेट से आते हैं दोनों के दोनों, वो स्टेट तुम्हें पता है कितनी बड़ी है? बाकी कंट्री तो भूल ही जाओ, उस स्टेट में आप एक रात में ट्रेन पकड़ते हो, अगले दिन सुबह उठते हो तो साला ट्रेन उसी ट्रेन स्टेट में चल रही होती सर है। मुझे पता है इंडिया बहुत बड़ा है, मुझे पता है। नहीं, इंडिया छोड़ दो यार, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। वो रात में आप बैठिए यहां से 10 बजे, तो सुबह भी आप मुगलसराय ही मिलोगे, ऐसी इतनी लंबी स्टेट है वो, उत्तर प्रदेश यूपी। और इतनी पॉपुलेशन है कि पाकिस्तान से पहले ज्यादा हुआ करती, पहले पाकिस्तान के बराबर थी, अब शायद पाकिस्तान की थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है, तो पाकिस्तान से थोड़ी सी कमी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन उतना तेज राइज नहीं कर रही है। 22 करोड़ पॉपुलेशन है उस स्टेट की। सर आई एम फीलिंग जेलस कि मैं नहीं जा सकती, आप मुझे बता रहे हैं ऐसे कि मैं जेलस हूं। नहीं भैया, कोई जलसी वलसी नहीं है बाबू, कोई बात। सर देखिए, हाँ जी, उत्तर उत्तर प्रदेश का जो टोटल लैंड एरिया है, सुन लीजिए ना, 93,935 स्क्वायर माइल्स है, और 2,43,290 किलोमीटर है। ठीक है जी। ठीक है सर। अब पाकिस्तान का जो, मैं आपको सुना दूं ताकि आपको पाकिस्तान का पता रहे, पाकिस्तान का जो एरिया है वो 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। 8 लाख, इट्स 8,81,000 समथिंग, ठीक है। और यूपी का जो एरिया है वो 2,40,000, तो आप हमसे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हैं, ठीक है, एरिया वाइज। छोटे हैं, बड़े हैं? बड़े हैं। यूपी से आप 4 गुना बड़े हैं। पाकिस्तान में जो जो फिगर्स है मेरे सामने, जो फिगर्स है उसके हिसाब से, पाकिस्तान में 2012 में 45,640 विलेजेस थे, गांव थे। यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट के हिसाब से 97,000 विलेजेस हैं यूपी में, गांव वो थे। तो अर्बनाइजेशन हो गया होगा ना दादा, वैसे तो गांवों का, क्योंकि ज्यादातर शहर में रह रहे हैं क्या? हाँ, ज्यादातर शहर में माइग्रेशन इंडिया में भी हुई है, वहां नहीं, इंडिया में भी हुई है माइग्रेशन, लेकिन क्योंकि पूरा यूपी जो है वो ऐसा एरिया है जहाँ पे पूरे में कल्टीवेशन होती है, पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, ज्यादातर बलूचिस्तान खाली पड़ा है, और सिंध का कुछ एरिया कच्छ में आ जाता, उसमें आ जाता है, थार रीजन में आ जाता है, तो वो भी उधर कम है। लेकिन विलेजेस काउंट करो कितने हैं, विलेजेस इंडिया में ज्यादा उसे, मतलब यूपी इज अ स्टेट, सिर्फ यूपी इज अ स्टेट जो कि पाकिस्तान को टक्कर देती है। खैर एनी वेज, हम इस डिस्कशन को कर नहीं रहे थे। एक फाइनल क्वेश्चन मैं आप दोनों से लूंगा, एंड देन विल वाइंड अप। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब क्या हम देख सकते हैं आगे पाकिस्तान दो तरह से सैंडविच हुआ हुआ और प्रॉब्लम झेल रहा है? पाकिस्तान सैंडविच नहीं हो रहा, पाकिस्तान हर तरफ से क्रश्ड हो रहा है। अफगानिस्तान इनके ऊपर अटैक कर रहा है, ईरान इनके ऊपर अटैक कर रहा है, इंडिया, और जैसा आपने एकदम ठीक बोला कि इंडिया का ही बॉर्डर है जो अभी शांत हुआ हुआ है, वरना कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है। क्योंकि एक तो इनके ये कि हम कोई नॉर्मल लोग नहीं है, हमारी ये है वो है, बड़के मार लेना ना, क्या बताएं यार, मतलब तो हैरान परेशान हो जाते हैं। अब विवाह जी हैं तो हम इनको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते, वरना यार इतनी बड़ी बड़ी बातें, हम ये नहीं है, हम वो नहीं, ये श्रीलंका से भी बदतर है,
लेकिन हम श्रीलंका नहीं, हम भूटान इनसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम भूटान नहीं है, हमारे पास एटम बम है। अरे भैया जब आपके एटम बम आप बोल रहे हो क्योंकि हम इस्लामी कंट्री पे नहीं चाहेंगे, ये इस्लामी भी एटम बम है, तो आप कैसे डाल दोगे इस्लामी एटम बम इसराइल के ऊपर? आपको पता ही नहीं आप कौन हो। आखिर ईरान ने अगर जैश ए अहमद के अगेंस्ट में कार्रवाई की है तो कोई तो रीजन ना होगा, ईरानी पागल तो है नहीं, हजारों साल की सभ्यता है वो, तो कुछ तो कारण होगा ना कि वो घुस के मार रहे हैं। और फिर कौन है ये लोग, ये कैसे पनप रहे हैं आपकी टेरिटरी पे कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कह रहे हो नॉन स्टेट एक्टर है। तो भाई गवर्नमेंट किससे बात करे, नॉन स्टेट एक्टर से बात कर ले भैया आप क्या, तो क्योंकि स्टेट एक्टर के पास तो कुछ है ही नहीं, स्टेट एक्टर से हम क्यों बात करें जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हम आज आपसे बात करते हैं, कोई नॉन स्टेट एक्टर बम फोड़ के चला जाता है, बोलते कि हमारा तो कोई गलती नहीं है, स्टेट एक्टर स्टेट का नहीं आता है, नॉन स्टेट का, ये तो अच्छा आपने शराड क्रिएट किया हुआ है कि सारा कुछ नॉन स्टेट एक्टर से करा लो, स्टेट का कोई वो नहीं है। तो और ये तो मैंने आपको लॉ बता दूं, मैं जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 2625 टू बी रेड विद आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर, आप जाके पढ़ लें। अगर आप अपने टेरिटरी को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं तो यूज ऑफ फोर्स के वायलेशन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये लोगों ने मजाक बनाया हुआ है यार, स्टेट बना के नॉन स्टेट एक्टर्स 1948 में जो आए वो नॉन स्टेट एक्टर्स, और वहां जो जा रहे ईरान में वो नॉन स्टेट एक्टर्स। तो सर स्टेट एक्टर कौन है? जुडिशरी, वो कह रही है कि इलेक्शन कराओ, कोई करवा नहीं रहा है, प्रधानमंत्री जब चाहो गिरा दो, कौन है स्टेट भाई? आई एम इन द लिक्विड स्टेट, मैं गैसियस स्टेट में चला जाऊंगा तभी मुझे पता नहीं चलेगा चला पाकिस्तान में स्टेट कौन है। हम आप तीनों लोग जब हम लोगों ने पाकिस्तान को समझना शुरू किया था, वी वर इन सॉलिड स्टेट। आज की डेट में ये समझते समझते दादा मैं तो लिक्विड स्टेट में जा चुका हूं कि पाकिस्तान में कौन है स्टेट एक्टर। और अभी आपने बताया कि गैस की प्रॉब्लम है, तो अब गैस स्टेट में जाने के मूड में तो नहीं है, अब जाना ही पड़ेगा। इनको समझते समझते हम लोग फूल के गुब्बारा हो जाएंगे, इन्हीं को नहीं समझ में आ रहा भाई, कभी जैश ए अहमद निकल रहा है, कभी कोई कह रहा है काफिरों से उतना ही संबंध लिखो जितना टट्टी करने वाले डब्बे से तुम्हें रखना है। मैं समझ नहीं रहा हूं, बिना टट्टी करने वाला वो डब्बा इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही है। बिल्कुल सही, ये फीलिंग आ रही है, लेकिन ठीक है, फीलिंग आप अपनी संभाल के रखें, बड़े काम आएगी। फाइनली रेवाहा जी, हाउ डू यू सी के पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ कैसे रिलेशंस बन सकते हैं उसके, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया बैठा ही है, ठीक है चलो बचपन से ही इसको तो हम दुश्मन मान रहे थे, एक तरफ और है जहाँ पे ईरान भी अब बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है रिलेशंस, क्या पाकिस्तान कुछ ट्रबल्स में आ रहा है, या ऑफ कोर्स पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेसी पे विश्वास रखता है सॉल्व कर लेगा सारी प्रॉब्लम्स को? सर अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है ना पाकिस्तान के लिए, आपको पता है कि जब आपके इकोनॉमी की क्राइसिस होते हैं, जब आप फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा सा वीक जाते हो, तो समझे कि हर बंदा आप हर इंसान आपको जो है वो हल्के में लेना शुरू कर देता है। तो यही एक मिसाल उनकी है, वैसे ही है पाकिस्तान की, कि अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, और दैट्स वाई जो है सिचुएशन जो है इर्द गिर्द के लोग भी पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर रहे हैं, और पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें। जब हम खुद को बेहतर कर लेंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी बेहतर होगी, जब हम इकोनॉमी वाइज स्ट्रांग होंगे तो तमाम कंट्रीज जो है यही जो हम पे हमले कर रहे हैं यही जो है दोस्ती का पैगाम आगे लेकर आएंगे और दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और वैसे भी सर लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, और हमें डेवलपमेंट रखा है, लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ रखा है, मैं बताऊंगा आपको बाद में, आपका तो सारा पैसा लड़ाई झगड़े में रखा है। हाँ ये बात तो सही है, लड़ाई झगड़े में बहुत कुछ रखा हम लोग भी से, ये भी है। और दूसरी चीज ये कि उम्मीद है कि रेवाहा एक बार तो जरूर वागा जा पाएंगी। मैं भी आज तक किस्मत से मैं वीडियो बनाऊंगी, प्रोग्राम करूंगी, देखिएगा एक दिन जरूर आएगा। अच्छा वाघा आइएगा कभी, ये नहीं कि थोड़ा सा आगे बढ़ के वो वाला हिस्सा कब्जा कर ले, प्लीज वाघा से वापस चल जाइएगा। अटारी नहीं तो वो है गाना है ना, अटरिया पे लोटन कबूतर रे, गुटर गुटर अटारी बोर्डर है, अटारी बोर्डर बुलाने में कोई बुराई नहीं है, दिक्कत ये कि जाना नहीं चाह रहे, जहां दे रहे वो दुख जा रहे, करे हमारा है हमारा है हमारा है, सब हमारी चीजें ले करके उस पे जो है मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा मार रहे हैं, समझ रहे हैं ना दादा? वो तो हम लोगों को इस पर बहुत सीरियस रीथिंकिंग करनी पड़ेगी कि पाकिस्तानियों को बुलाना नहीं बुलाना, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये जो मिसाइल आई थी बहुत सीरियस इशू था। सबके सब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर मिश्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें, रेवाहा जी को चैनल को सब्सक्राइब करें, और
एक बार लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था। इसके बाद जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। थैंक यू।